गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस द फीचर्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया एंड हाउ दे आर अडॉप्टेड एंड व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ओके, नाउ द स्टार्टिंग फ्रॉम दैट आई एम गिविंग यू द वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द डिफरेंट एंड स्पेशल फीचर्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया बाय विच साइनोबैक्टीरियाज आर परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटी कंपैरिजन टू बैक्टीरिया। ओके, नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ साइनोबैक्टीरिया आर डिफरेंट इन नेचर अकॉर्डिंग टू बैक्टीरिया। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एंड यू ऑल हैव टू गिव मी आंसर टुमारो। ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग फ्रॉम दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड दैट इज द रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया। इन प्रीवियस वी हैव स्टडीड दैट साइनोबैक्टीरिया आर जनरली द कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस कैरीड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड इट ऑल्सो कैरीड द फोटोसिंथेटिक एंड देयर कलर्स एंड देयर फीचर्स ऑल्सो वी हैव ऑल्सो डिस्कस। So we have left most of the important topic is that our two topic is remaining and that is first reproduction in cyanobacteria and second the economic importance of cyanobacteria. Okay, in this video we will discuss and we will also discuss some general features of mycoplasma which is our next topic. So before starting I want to tell you that if we are going to talk about the cyanobacteria, the reproduction is generally takes place in a vegetative mode. There is a सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जनरली लैकिंग। ओके, इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो लैक होता है, कमी होती है, उनमें होती नहीं है, ठीक है। एंड द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज जनरली कैरिड आउट बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं, 5 या 6 प्रकार के, जिससे जो इनके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूअली ग्रोथ करते रहते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया द फर्स्ट वन इज दैट हॉर्मोगोनिया। ओके, हॉर्मोगोनिया मींस दे आर द फिलामेंटस फ्रॉम ऑक्सिलेटोरिया। अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सिलेटोरिया की, इन प्रीवियस वी हैव डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ ऑक्सिलेटोरिया एंड एग्जांपल्स वी हैव आल्सो स्टडीड। ऑक्सिलेटोरिया की बात करता हूं, द मेंबर्स जो होते हैं इनके वो फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं। फिलामेंटस फॉर्म में, हियर यू कैन सी दैट दिस इज द स्ट्रक्चर्स एंड हियर द फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स आर फाउंड। ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स है, बट साइनोबैक्टीरिया ब्रेक्स 2 to 3 सेगमेंट्स। इनके जो सेगमेंट्स है वो 2 से 3 सेगमेंट्स होते हैं, वो जनरली ब्रेक होते हैं। आफ्टर द ब्रेकिंग द न्यू सेगमेंट्स आर कैपेबल टू परफॉर्म द सेवरल हॉर्मोस्पोर, है ना, हार्मोगोनिया बनाने के कैपेबल्स होते हैं। यानी ये सेगमेंट जो है ब्रेक होके, 2 से 3 सेगमेंट्स ब्रेक होकर वो एक नई प्रोजेनी, नई ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए कैपेबल हो जाते हैं आफ्टर द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ हार्मोगोनिया एंड दैट इज कॉल्ड द हार्मोगोनिया रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है दिस इज द स्पेशल केस इन ऑक्सिलेटोरिया। ऑक्सिलेटोरिया में देखने को मिलता है कि इनके जो फिलामेंटस फॉर्म होते हैं वो ब्रेक होते हैं 2 to 3 सेगमेंट्स में एंड ईच 2 to 3 segments are capable to perform different types of activity. Okay, most important point. Now next we have to discuss that after the hormogonia, hormogonia is the breakdown of segments are called hormogonia, means several types of breakdown which is hormogonia represent, that is 2 to 3 segments, this is called hormogonia and it also provide a suitable condition to mature and divide and produce their young ones. Okay. Now next we are going to discuss that hormospores. Okay, hormogonia, after that hormospores. Hormospores, spores means a word which is related to the sperms, है ना, जो spores होते हैं वो उसी word से निकल कर आते हैं आपके hormospores से। जैसे हम बात करते हैं vestila, vestila is examples of hormospores and thick walled होते हैं generally, इनकी जो wall होती है काफी thick होती है, that is here you can see that ये बहुत ही thick wall है इनके पास। thick मतलब not in the meaning of वेरी स्मॉल, ठीक है, थिक होती है एंड स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म एट द एपेक्स ऑफ फिलामेंटस कॉल्ड हॉर्मोस्पोर। इनके एपेक्स में, एपेक्स मींस टॉप ऑफ द पोर्शन, इनके एपेक्स में एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, जो कि फिलामेंटस होते हैं जिसको हम हॉर्मोस्पोर कहते हैं एंड दीज हॉर्मोस्पोर आर कैपेबल टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस टू मैच्योरिंग एंड ब्रस्टिंग आउट। जब ये ब्रस्ट आउट होते हैं, ब्रस्ट आउट होने के बाद दे आर कैपेबल टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस, ये अपने यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकेंड रिप्रोडक्शन फेज। ओके, नाउ नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट एकिनेट्स, एकिनेट्स मींस इंक्रीज इन साइज ऑफ वेजिटेटिव पार्ट। ओके, मोस्ट ऑफ द
reproduction are generally carried in a vegetative mode. I already told you vegetative reproduction means the several types of tubers, suckers and potato. In plants we have also discussed in 9th and 10th class also, but here we are going to discuss that how the reproduction takes place in cyanobacteria. Here you all can see that this is the broad portions of echinets, and echinets mein kya hota hai generally due to the highly storage of increase in size, inke andar jo storage hoti hai, food ki storage hoti hai, iske karan inke jo cells hai na wo swell ho jate hain, ye phool jate hain, and after the swelling the cells by the storage of food material, इसकी स्वेलिंग के कारण इनकी जो फूड मटेरियल्स इनमें ज्यादा स्टोर होने के कारण ये ऊपर वाले एपेक्स पार्ट से ब्रेक डाउन हो गए, जनरली वो उसको डिवाइड करके द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ सेल्स अराइजेस आफ्टर द ब्रेकिंग डाउन एंड दैट इज कॉल्ड एकिनेट्स. ये एकिनेट्स वाले ग्रुप में देखने को मिलता है. इट मींस दैट द रिप्रोडक्शन इज ऑलरेडी टेकन बाय एकिनेट्स प्रोसेस, हॉर्मोस्पोर्स एंड हॉर्मोगोनिया. ये सब अलग अलग एग्जाम्पल्स है जिसमें अलग अलग तरीके से, किसी में हार्मोगोनिया की वजह से, किसी में स्पोर्ट्स के फॉर्म्स में, किसी में फूड स्टोरेज के फॉर्म में, उनका जो भी रिप्रोडक्शन होता है जिससे वो अपने नए यंग वंस या नई प्रोजेनी को तैयार करते हैं, ये पूरा का प्रोसेस हमारा रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया में आता है. ओके, सो द लास्ट पॉइंट इज दैट एक्सोस्पोर्स. एक्सोस्पोर्स इज अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू स्पोर्स. इन अ कैम्योसिफियन द स्पोर्स आर फाउंड आउटसाइड द प्रोटोप्लाज्म. इनके पास क्या होता है कि इनका जो स्पोर्स होता है वो प्रोटोप्लाज्म के ऊपर वाले लेयर्स पे होता है, जिस कारण से कभी कभी क्या होते हैं कि ये स्पोर्स जो होते हैं ना ब्रस्ट आउट होने के बाद, ब्रस्ट आउट मीन्स सम व्हेन दिस टाइप ऑफ सेल्स आर जनरली गेटिंग मैच्योर्ड. ओके, आफ्टर द मैच्योरिटी मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर जनरली रिपेंट. जब फ्लावर का अगर हम फूल की बात करते हैं या फ्रूट्स की बात करते हैं, जब वो मैच्योर हो जाता है जनरली इट फॉल ऑफ फ्रॉम द ट्रीज, वो पेड़ों से क्या होता है गिर जाता है. इस केसेस में क्या होता है कि जब ये मैच्योर हो जाते हैं आफ्टर रीचिंग द फाइनल एंड मैच्योरिटी लेवल इट ब्रस्ट आउट. ब्रस्ट आउट होने के बाद इनके जो स्पोर्स हैं वो साइनोबैक्टीरिया फॉर्म में होते हैं. इट इज नॉट अ स्पोर्स फॉर्म इन द वे ऑफ प्लांट. जैसे प्लांट्स में स्पोर्स होते हैं, मैं वैसे की बात नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, ये एक्सोस्पोर्स की बात होती है या इंडोस्पोर्स की, दो प्रकार के स्पोर्स फॉर्मेशन आपके बुक में दिया है. ठीक है, उससे भी हम समझ सकते हैं इनके स्पोर्स फॉर्मेशन जब इनके प्रोटोप्लाज्म के सबसे ऊपर लेयर में जो स्पोर्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं एक नए यंग वंस और जनरेशन को बढ़ाने में. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सोस्पोर. उसके बाद इंडोस्पोर्स भी दिया है आपके बुक में, हेट्रोसेस्ट भी दिया है, ये भी आप लोग प्रिफर कर सकते हैं. बट मोस्ट ऑफ द टाइम ओनली वन क्वेश्चन आस्क्स दैट how many types of reproduction takes place in cyanobacteria, define any two or three of them. इनमें से सिर्फ तीन या चार के बारे में पूछता है एग्जाम में, बाकी के बारे में इतना डिटेल नहीं पूछता है कभी भी. ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू फोकस दैट ओनली टू टू थ्री. फर्स्ट इज हॉर्मोगोनिया, सेकेंड हॉर्मोस्पोर्स एंड थर्ड इज एकिनेट्स. ओके, तीन प्रकार के रिप्रोडक्शन वी हैव टू फोकस वेरी केयरफुली. ओके, सो ये सारे एग्जांपल्स थे. इसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया. आफ्टर दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस द जनरल एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ माइकोप्लाज्मा एंड हाउ इट इज अफेक्टेड एंड हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मैनी ऑफ द पैथोजेंस ऑल्सो. ओके, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स, फॉर पैथोजेंस ऑल्सो. ओके, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. सो हियर वी हैव टू डिस्कस दैट economic importance of cyanobacteria. Generally, according to the bacteria, we have also discussed the usefulness and harmful of effect of bacteria. Here, we will see how the cyanobacteria has affected the our environment. Okay, several types of cyanobacteria are creating disease in human beings and in animals also. These are the first harmful effect, and second harmful effect is that they also contaminate the water. Okay, contaminate of water means several types of cyanobacteria are generally found in water and they release several types of toxic substance, and they toxic substance are creating different types of molecules and different types of larva which are generally mixed with the water, and if the human beings or animals generally drink it and they suffer a different types of problems like dysentery. Okay, dysentery and many more diseases also. So the two main effect of cyanobacteria is that they are capable to contaminate of water bodies. ठीक है, water bodies को contaminate कर सकते हैं. And second, they also create several types of disease in humans and animals also. ठीक है, या plants also. Okay, now
The most important beneficial and economic importance of cyanobacteria is only two things, and that is it is used to nitrogen fixation. Nitrogen fixation means Azotobacter, Rhizobium, different types of nitrogen fixations are generally fixed with the soil to enhance the productivity and fertility of soil, by which our plants can easily grow and taking all the types of nutrition and product from the soil. Okay, so here we have discussed that nitrogen fixation is a most important functions by cyanobacteria. They are generally provided the enrichment product to the soil to improve the quality of soil, by which our plants can be modified in a very slow time of intervals. Okay, most important point. Second point is that reclamation of barren land. Reclamation of barren land means in our India, there is a several types of lands is available, but we cannot do a cropping and we do not do several types of agriculture. Why? Because their land is total barren. Barren means banjar, and that's why the several types of cyanobacteria are very important to develop and convert the barren to fertile land. ऐसे cyanobacteria बहुत होते हैं जो generally किसी भी barren land में होने के साथ साथ ये किसी भी barren को fertile form में change कर सकते हैं. So this is the most economic importance of cyanobacteria. Okay, after mixing it, by which cyanobacteria can change barren land to productivity land. So most important point we have discussed. Now our cyanobacteria topic is totally completed, and we are going to discuss the only some of the features of mycoplasma. Okay, mycoplasma is a word which is generally related to several type of disease which are generally occurred in plant, most in the plants and animals also. Okay, in a plant physiology, if we will go through the detail, the plant pathology are considered on the several types of disease in plants created by several types of organisms, and that is called mycoplasma. The smallest mycoplasma is P.T. yellow, pleuropneumonia like organism. It is the smallest special type of small microorganisms which are create a disease in human beings as well as in plants also. So mycoplasma is a species carrier and disease carrier organism, and that create plant disease and animal disease. अगर animal disease की बात करते हैं तो it creates bovine pleuropneumonia in animals. एक प्रकार का bovine pleuropneumonia, pneumonia we have already seen in the bacteria cases when we discussed that several types of bacteria, like we have discussed the gram positive and gram negative bacteria. We have also discussed the transformation of bacteria, and we have discussed the Griffith experiment in pneumonia cases. Okay, so here pneumonia we already studied that. In several types of animals and plant disease, the mycoplasma plays an important role to do different types of diseases. So here the features की बात करते हैं, अगर हम mycoplasma का, तो mycoplasma के बारे में हमने देखा कि mycoplasma disease carrier होते हैं, चाहे वो animals हो चाहे वो plants हो, ये अलग अलग वे से उनको disease create करते हैं. ठीक है, now most and important and general characters are they are smallest, very smallest in size, smallest in which we cannot see with a naked eyes. Okay, now next point is that they are unicellular. Unicellular means made up of single celled. Most important, so many times I have told you that they are prokaryotic organisms. Prokaryotic organisms matlab they don't have proper nucleus, they are came from the pre-exciting cells. ये बहुत पुराने cells से निकल कर आते हैं, इन्हें हम prokaryote cells कहते हैं. It is not a developed part. ये कोई developed part नहीं होता है. Okay, so this is the general characters of mycoplasma. Now next we are going to detail some more important features of mycoplasma, because mycoplasma is a different topic and most of the time this type of questions are generally asked. Okay, so they can be cultured on a agar agar medium. We have also studied in a culture. Culture means tissue culture, something we can also doing for culture medium to do different types of practicals. Okay, safranin we have also studied, and it is also used to culture medium to prepare a different types of slides. Also safranin ka use karte hai culture medium ke liye, and that time the mycoplasma can be cultured and stored and can be preserved on a agar agar medium. Theek hai, most important point, can be cultured, can be preserved on a agar agar medium. It is the most important point, but most of the small organisms cannot be cultured, but mycoplasma can be cultured on agar agar medium. Theek hai, next they contain RNA, DNA and protein and ribosomes. Most important components they carry, first RNA, ribonucleic acid, second
DNA, deoxyribonucleic acid, protein, we know that already what is the function of protein and ribosomes also. So important types of four components are generally carried in mycoplasma, and all the things are metabolic activities are generally run by these all are the components. So here they may be parasites or saprophyte. Okay. ये जो होते हैं अपने नेचर से या तो पैरासाइटिक होते हैं या तो सेप्रोफाइटिक होते हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स और उनके नेचर्स के बारे में, एंड आल्सो कॉजेस डिजीज. और ये डिजीज कैरीज करते हैं. डिजीज कैरीज का मतलब चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, दोनों में ये प्रॉपर वे में डिजीज को कैरी करने का काम करते हैं. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, जनरली इन माइकोप्लाज्मा दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन. वी हैव सीन इन अमीबा, अमीबा में हमने बाइनरी फिशन को देखा है. बडिंग वी हैव सीन इन हाइड्रा, हाइड्रा में हमने बडिंग को देखा है. एंड एलिमेंट्रीज बॉडीज, एलिमेंट्रीज बॉडीज क्या होती है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्रीज बॉडीज, बिकॉज एलिमेंट्री बॉडीज मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज विच आर अटैच्ड विद माइकोप्लाज्मा. And that type of bodies are generally eliminate from their parts and they self-replicate and improve the young ones, and that is called elementary bodies. उन्हीं के साथ बहुत सारे ऐसे elementary bodies होती हैं जो उनके body से दूर होने के बाद अपने एक नए young ones को produce कर सके, उसको हम elementary bodies कहते हैं. Generally they are attached with mycoplasma. ओके, क्योंकि ये जो होते हैं माइकोप्लाज्मा के बॉडी के साथ अटैच्ड होते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, it is the most important and general features we have discussed. Now the next question is that cell structure of mycoplasma. Okay, now I want to tell you that they don't have true well developed cell wall. ठीक है, इनके पास कोई cell wall नहीं होता, इनकी कमी होती है. And according to that, by that the cell surrounded by three layered, तीन layered से मिलकर बनती है. Three layered means that is the first layer, this is second layer and this is third layer. Okay, इनकी जो बॉडी होती है वो तीन लेयर से कवर्ड होती है. ठीक है, जिसको हम यूनिट मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं. दीज आर द सेवरल टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, ये फर्स्ट मेम्ब्रेन, सेकंड मेम्ब्रेन, थर्ड मेम्ब्रेन. ठीक है, इसको हम यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं. एंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल ना होने के कारण इनके जो शेप होते हैं विच मे बी स्टार शेप्ड, विच मे बी एमीबॉइड शेप्स, अमीबा के फॉर्म में होते हैं, एंड विच मे बी राउंड एंड विच मे बी इरेगुलर. ठीक है, या तो गोले होंगे या तो इरेगुलर शेप के होते हैं या तो अमीबा के जैसे होता है, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं है. और अगर वो सेल वॉल नहीं है तो ये अपने शेप को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड गारंटेड क्वेश्चन इज दैट, दैट्स व्हाई माइकोप्लाज्मा इज कॉल्ड द जोकर ऑफ दिस सेल. ये ठीक है ना, माइकोप्लाज्मा को हम जोकर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर सेल वॉल. दे कैन चेंज देयर शेप, ये किसी भी शेप में, जैसे हम सर्कस में जोकर के बारे में देखते हैं कि वो अपने कलर्स को, अपने चेहरे को मेकअप के वे में चेंज कर लेते हैं, वैसे माइकोप्लाज्मा स्टार, एमीबॉइड, राउंड या इरेगुलर फॉर्म में अपने शेप को चेंज कर लेता है. दैट इज कॉल्ड द जोकर ऑफ द डिजीजेस. ठीक है, जोकर के नाम से इसे जाना जाता है. नेक्स्ट we have to discuss that it contain DNA, deoxyribonucleic acid and RNA granules as a soluble granules, different types of granules like protein, cholesterol also found in mycoplasma. We will see in next video the detailed structure of mycoplasma and which type of organelles and which type of components are found in mycoplasma. ठीक है, next video में हम discuss करेंगे. DNA भी होते हैं, RNA भी होते हैं, most of the proteins and cholesterols are also found in the mycoplasma, and they all they do different types of metabolic activity and provide proper nourishment and proper nutrition to the mycoplasma. Okay, now last point is that there is a plasmid are also present. इनके अंदर जो plasmid होता है वो भी present होता है, but the harmful effect is that it causes humans as well as animals and plant disease also. Okay, so this is all about the mycoplasma. And last, I'm giving you one more questions, and that is write the different features of mycoplasma and their suitable diagram. And tomorrow at 4 p.m. you all have to submit me in my personal WhatsApp group your copy. Okay, thank you students.